हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक थ्रिलर मूवी का ट्रेलर जिसका टाइटल है सैंधव, और इसको डायरेक्ट किया है शैलेश कोलानू ने। और अगर इसके प्रोडक्शन की बात करें उसमें है वेंकट, और स्टार कास्ट में है वेंकटेश सर है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, आर्या है, श्रद्धा श्रीनाथ है, रोहानी है, साथ में एंड्रिया जर्मिया है, जिशु है, और साथ में मुकेश ऋषि है और जयप्रकाश है। तो चलिए देख लेते हैं मूवी का ट्रेलर। लेकिन इससे पहले इस वीडियो में चैनल ओरिजिनली आपको हमारी वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर लाइक शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके लग में लोग चैनल का लिंक उस में लिंक भी हमारी वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। सिंपल जेंटल आई एम फ्री, गोल्डन सनशाइन अनब्री, मेरे पापा सुपर हीरो हैं। तो मुझे डर नहीं लगता। अच्छा, मुझे लगा शायद वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। गोल्डन सनशाइन अनब्री। कुछ हो गया इस बच्ची को? जेनेटिक डिसऑर्डर है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। गायत्री के पास ज्यादा वक्त नहीं है, इमोशनल होने वाले हैं। इमीडिएटली हमें इंजेक्शन देना होगा। इस इंजेक्शन की कीमत 17 करोड़ है। पर इतनी बड़ी कीमत कैसे हो सकती है डॉक्टर? 17 करोड़। सर साइको वापस आ गया है। अपने लड़कों से कहो हथियार के साथ तैयार रहें। मेडिसिन वायल चाहिए ना, उस उलो को अपने पिछवाड़े में डाल और मेरे कंटेनर्स मुझे दे दे। इससे पहले तुम क्या करते थे सैंडल? गैंगस्टर थे। गाड़ी भगा मानो। मुझे मारने की सुपारी लेकर आए हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें जिंदा भी तो रहना होगा। और अपनी मेडिसिन मैं तुझसे लेकर रहूंगा। तुझा इच्छी, कैसा लीडर है रे तू? चड्डी चड्डी में मुंह देता है तू। कंटेनर्स भी वापस लाएगा और उसका खोपड़ा भी। तू देख, मेरा कंटेनर मेरे को होना। काट डालूंगा सबको। मैं मेरी बेटी को बचा लूंगा। अंदर जाके वाइल्स लेकर आओ। घर घर जे जो बर बर से तो डर से हाँ पे, रग बढ़ के जो पग बढ़ ले तो दुश्मन। ओहो, कहां कहां पर गोलियां लग रही हैं। कॉलर तो किसी के भी शर्ट पे होता है मुन्ना, लेकिन किसी का कॉलर पकड़ने से पहले ये सोचना चाहिए शर्ट किसने पहनी है। और अगर तुमने सोचने में देरी कर दी तो समझो तुम्हारी लग। मेरी बच्ची अभी सो रही है, किसी ने डिस्टर्ब किया तो मार दूंगा। बोले ना यार, ट्रेलर में तो जो है ना एक्शन और थ्रिलर जो है ना वो तो भर भर कर जो है ना वो नजर आ रहा है। लेकिन मैं वेंकटेश सर की अगर बात करूँ ना तो नो डाउट बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन रोल जो है ना मुझे इतना जो है ना उनका क्लियर नहीं अभी तक समय लगी। क्योंकि एक साइड पे नो डाउट वो एक बहुत अच्छे बाप का और एक बहुत अच्छे शोहर का रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन ऑन दी अदर साइड गैंगस्टर यानी उनका अतीत जो है वो गैंगस्टर का भी लग रहा है, लेकिन ऑन दी अदर साइड जो वो कंटेनर रोकते हुए भी नजर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है या तो वो गैंगस्टर होंगे, और एक जो चीज मुझे लग रही है कि मे बी जो अंडरकवर पुलिस होती है मे बी वो उसका भी एक पार्ट रहे हूँ। खैर कोई बात नहीं, हाँ। हमारे ख्याल से थोड़ी ना मूवी बनी है, हम तो अनुमान ही लगा रहे हैं। बट मैं यहाँ पर एक्शन की बात करूंगी, एक बाप और बेटी के प्यार की बात करूंगी कि स्टोरी मुझे लग रहा है कि इमोशनल होने वाली है।
क्योंकि जो जिस तरीके से यू नो स्टार्टिंग से दिखाया गया है एक मतलब रिलेशनशिप दिखाया गया है वो बड़ा खूबसूरत लग रहा है. और यू नो बच्ची जिस तरीके से कह रही है कि मेरे फादर मेरे सुपर हीरो है वो मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, तो मतलब उस चीज के साथ बड़ा अच्छा लग रहा है. हर फ्रेम एक हैप्पी हैप्पी सी वाइब आपको आ रही है, बट उसके बाद सडनली जिस तरीके से वो फ्रेम आता है और उनको 17 करोड़ का इंजेक्शन चाहिए. किस चीज का इंजेक्शन होगा? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि दुनिया में वाकई में इतनी महंगी मेडिसिन भी होती है क्या किसी चीज के लिए, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता. लेकिन ऑब्वियसली मूवी तभी बनती है जब ऐसी स्टोरी हमारी सोसाइटी में से निकल कर आती है. बट नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर, पहले तो मुझे लगा कि शायद वो ना लैब में काम करने वाले हैं. लेकिन हाँ, लेकिन बाद में ये क्लियर हुआ कि भाई असली विलन वो ही है. यार वैसे मैं अगर नवाजुद्दीन सर की बात करूँ ना तो स्ट्रॉन्ग उनका एक कैरेक्टर जो है ना वो मुझे नजर आ रहा है इस मूवी में, क्योंकि उनकी एक्टिंग नो डाउट एक अलग लेवल पर जाकर जो है ना आप किसी भी मूवी में देख लें वो एक्टिंग करते हैं. लेकिन अभी जो है ना जो उनका एक कैरेक्टर देखा है भाई उसके लिहाज लग रहा है कि वो जो है ना एक इस मूवी में, वैसे मैंने साउथ की मूवी में उन्हें पहले नहीं देखा तो वो एक छाप जरूर छोड़ेंगे. बिल्कुल, उनकी एक्टिंग का एक डिफरेंट स्टाइल है. मुकेश ऋषि सर के बारे में बात करना चाहूंगी, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है. लेकिन वो मुझे लग रहा है कि पॉलिटिशियन, पहले मुझे लगा कि वो शायद असल विलन है, लेकिन ये कि वो बाद में क्लियर हुआ कि वो पॉलिटिशियन का रोल प्ले कर. लेकिन वैसे मुकेश ऋषि सर की बात करें तो नो डाउट एक वक्त था जब बॉलीवुड में बहुत ज्यादा उनकी मूवीज देखने को मिलती थी, लेकिन अभी भी साउथ की इंडस्ट्री में ज्यादा विलन का ही मेरा ख्याल है, क्योंकि ज्यादा उन्हें विलन या ऐसे जो विलन होते हैं लेकिन अच्छे वाले विलन होते हैं तो इस तरह का रोल उन्हें जो है ना प्ले करते हुए देखा. लेकिन बीच में भाई एक्शन की बात करूं भाई तोबा तोबा होती है. जब आप साउथ का ट्रेलर देखते हैं ना एक अलग लेवल पे आपको जो है ना उसमें एक्शन देखने को मिलता है. ये टेलीगो मूवी है और मैं बस ये पूछना जरूर चाहूंगी कि जो साउथ के साइड से मूवीज आती है उनमें इतना एक्सट्रीम एक्शन क्यों होता है? लाइक यार इसमें तो कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम एक पॉइंट था. एक तो छुरा जो इधर से मार के इधर निकलता है और दूसरा जो है ना वो वाला सीन जहाँ पे वो गन एक बंदे को मारते हैं और पीछे से कितना लोथड़ा जो शीशे पे आके वो लग जाता है. तो भाई साउथ में तो ना मैं कहता हूँ कि शायद नए नए तरीके ढूंढते हैं कि लोगों को किस किस तरह का थ्रिल जो है वो दिया जा सकता है. मैं जानना चाहती हूँ आपको, आते कहां आपको से? तामिल हो, तेलुगु हो या कन्नड़ हो, ये तीनों कन्नड़ा जो हो, इन तीनों में जो है ना आपको एक अलग लेवल का एक्शन, एक एक्ट्रेस में अलग लेवल की फुर्ती जो है ना वो देखने को मिलती है. मैं चीज मानती हूँ बहुत ही एक्टिव, मतलब कोई भी आप देख लो सीनियर एक्टर्स हैं या फिर आप देख लो कि जो अभी बिल्कुल बहुत यंग एक्टर्स हैं, आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक फुर्ती नजर आती है. बाकी जिशु सेन गुप्ता जी की भी मैं बात करना चाहूंगी. रिसेंटली मैंने उनकी एक वेब सीरीज देखी थी, सो अब मुझे उसका नाम भूल गया इसलिए, लेकिन ये कि वो भी बहुत अच्छे एक्टर हैं. हाँ, मेरा ख्याल है मैंने इन्हें जो है ना क्रिमिनल जस्टिस जो वेब सीरीज है इन्होंने उसमें भी वर्क किया हुआ है तो मुझे तो काफी अच्छा लगा उसमें ना इनका. लेकिन अभी इस मूवी में अगर बात की जाए तो इनका रोल अभी इतना क्लियर नहीं है. हाँ, हुआ कि क्या है, बस एक ही आपको ग्लिम्प नजर आया. बाकी आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में आपको ट्रेलर कैसा लगा. और इसी के साथ गुड बाय.